कसम फिरोज खान की, यो हरी नाई भी सहरी नाई से कम ना है। एक एक के मुच्छा मुंड के धर दूंगा, बच के कट्ठी जाएगा। मन ने थारी मुच्छा पसंद नहीं, थारी मुच्छा, थारी मुच्छा, थारी मुच्छा, थारी मुच्छा, थारी मुच्छा। कैसे चल सका? कुछ रात को कुछ गलत सलत खा लियो हो सी, बात से ढीलो पड़ गयो है और कुछ नहीं है। ओ भाया, इसे कहते हैं स्लो मोशन। क्या स्लामसन? अरे कांजी, मैंने सुना है कि जो सयाने लोग होते हैं ना, वो सब काम धीमे धीमे जमा जमा के करते हैं, जिससे कोई गलती नहीं होती, है ना? अब्दुल भाया, हाँ भाया, तू भी तो बड़ा सयाना है, तू भी सब काम धीमे धीमे जमा जमा के किया कर, तो गांव वाले समझेंगे कि हाँ भाई, हमारा अब्दुल भी बड़ा सयाना है। क्यों? ये उतरा नया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो खानदानी उस्तरा है। ओ, मारे परदादा के जमाने का। वाह, ऐसी धार है इसकी कि पलक झपकते ही दाढ़ी मुंड देवे सटा सट सटा सट। मारो बापू ये मरते वक्त मन्ने दे गयो तो मैं मारा छोरा रे दे जाऊंगा। वाह क्या बात है। पता है हरी, शहर में संजू बाबा रोज नई ब्लेड से दाढ़ी बनाते हैं। अच्छा, और वहाँ अगर नाई की दुकान में जाओ तो। दुकान काय की दुकान? दाढ़ी बनाने की, और किसकी? और कोई छोटी मोटी दुकान नहीं होती है, 8-10 कुर्सियां, रेडियो पे गाने बजते हैं, टीवी होता है और ठंडक के लिए बिजली वाले पंखे। दाढ़ी बनाने की दुकान इतनी बड़ी? हाँ, इतनी बड़ी दुकान, और कई दुकान में तो आदमी औरत एक साथ जाते हैं। के बोले है तुम लुगाइया शहर में दाढ़ी उगान लगी के? नहीं रे बांगड़ू, अरे औरतें अपने बाल कटवाने, नाखून कटवाने, कभी कभी अपने बच्चे भी साथ ले जाती हैं, उनके बाल कटवाने। माँ समझ गए हो भाया। क्या थे मारी मस्करी करो हो? अरे मैं तुम्हारी मजाक क्यों उड़ाऊंगा। अरे कभी कभी तो वहां शहर में बाल कटवाने के लिए 100-100 रुपए लगते हैं। मिलो तो उल्लू बनाने के वास्ते। अरे मैं तुम्हारी मजाक, हम गांव वाले लोग थे एकदम ही चुगत समझ लियो के हजामत के 100 रुपए लुगाइया दाढ़ी उगाने लगी बात करी है। ए कांजे, आ रहा हूं। अरे दाढ़ी तो बनवा ले। नहीं, पहले नया उस्तरा लेके आओ, फिर बनाएंगे। अरे चलता हूं। कठे को जा रहे हो भाया, क्या भाया? वाह, ये तो एकदम सयाना बन गया। लेकिन सूर्या, तुम्हें नहीं लगता है कि इसको थोड़ा और धीरे चलना चाहिए? याद है वो टीवी वाला, एकदम धीरे धीरे। और नहीं तो के? देख अब्दुल, अगर तेरे से ठीक से होता है तो ही कर, वरना छोड़ दे ये सब, हम लोग मान लेंगे कि ये सयाना नहीं है। नहीं यार, ऐसे नहीं, उसको दिखाओ ना, पहले दिखाओ। चल भैया, चल पीछे पीछे पीछे,
देख लिया ना, अभी तुम लगे रहो, हम लोग जा रहे हैं, बाद में मिलेंगे। ठीक से करना, स्लोमो सजना भाया। तू आया है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ यार, वहां मुझे गांव की भी बहुत याद आती थी। तो रुक जाना ठे। नहीं नहीं हो सकता। लेकिन सूर्या, उस लड़की का पता लगाना पड़ेगा। अरे तू फिर उड़ने लगा, तू उस छोरी को भूल क्यों नहीं जाता? देख, अगर वो छोरी ठाकुर के आसपास भी रहती हो ना तो समझ ले तेरी पहुंच से बहुत दूर है। क्या यार, मैं कहां ठाकुर की बीवी या बहन को उठा के ले जा रहा हूं? बात करता है। के हुआ, तू तो ऐसे जम गया जैसे कोई चुड़ैल देख लियो तने। चुड़ैल नहीं, अप्सरा। तू अप्सराओं को देख, मैं जाके अब्दुल को सिखाता हूं। हाँ। अब्दुल भाई, स्लाम खबरदार, बस सब चुप हो जाओ। सुनिए, थोड़ा पानी मिल सकता है? प्यास तो जान ही ले लेती। बाप रे, ये कैसी प्यास है जो पल भर में जान ले लेती है? पता नहीं, आज पहली बार लगी ऐसी प्यास। फिर कभी ऐसी प्यास लगे तो मैं रोज इसी समय पानी भरने जाती हूँ। आ जाना, मैं पानी पिला दूंगी। सोचता है रे अब्दुल, पर मन ने थारी मुछा पसंद नहीं। मोरी मुछा कुछ कहो,
स्लो मोशन की Mm-hmm.